हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ, एक नई स्कॉलरशिप लॉन्च हुई है यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा, जो यहाँ पे हर साल छात्रों को 80,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। जी हाँ, अमाउंट बड़ा है, 80,000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाती है। क्लास 12वीं के बाद से आप स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो। इसके बारे में टर्म्स एंड कंडीशन बताने वाला हूँ, क्या इसकी गाइडलाइंस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन से कोर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट एवरीथिंग मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को आप एंड तक देखना, कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जानना जरूरी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सारी चीजें लगेगी 80,000 रुपए स्कॉलरशिप पाने के लिए। तो ये गवर्नमेंट द्वारा बेहतरीन स्कॉलरशिप है, इंस्पायर स्कॉलरशिप। यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है, इंस्पायर करने के लिए छात्रों को दी जाती है यहाँ पे। तो सिंपली आप क्या करेंगे, गूगल क्रोम पे ओपन करेंगे, सिंपल लिखना क्या है, scholarshipworld.com। देख लो, जो मैं लिख रहा हूँ आपको सर्च करना है, scholarshipworlds.com, worlds.com आपको लिख के सर्च कर देना है यहाँ पे। scholarshipworld.com लिख के जैसे सर्च करोगे, पहली साइट आएगी, सिंपली इस प्रकार का आ जाएगा आपके साथ, इस पर डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पहला ही पोस्ट होगा यहाँ पे, 12वीं पास को मिलेगा यहाँ पे 80,000 रुपए की स्कॉलरशिप, ऑल इंडिया अप्लाई। ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे पोस्ट पे। मैंने यहाँ पे पोस्ट पे ऑलरेडी क्लिक कर लिया है। यहाँ पे इस प्रकार इंटरफेस आपके पास आ जाएगा, जहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट स्कॉलरशिप पाने के लिए। सिंपली इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ एप्लीकेंट जो है उसकी उम्र जो है 17 से लेकर 22 साल के बीच यहाँ पे होनी चाहिए। और मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पे और थोड़ा डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाऊंगा अभी, गाइडलाइंस का कौन कौन से अप्लाई कर सकते, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए वो बताऊंगा अभी। ठीक है, और आपका कम से कम जो टॉप 10,000 रैंकर्स में आपका नेम होना चाहिए, टॉप 10,000 में जो आपका कोर्स में ये चीजें होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, इन सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली इस गाइडलाइंस को आओगे यहाँ पे, गाइडलाइन डाउनलोड करेंगे। मैंने यहाँ पे गाइडलाइंस को डाउनलोड कर लिया है। करने के बाद यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, जो कि आप देख सकते हो। अगर आप क्लास 12th में साइंस से पढ़े हैं और अगर आप फर्स्ट ईयर परस्यू कर रहे हैं बीएससी, बीए, बीएससी, रिसर्च इन 4 ईयर्स, एमएससी, एमएस, जो भी आप पढ़ रहे हैं उनमें आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, अगर आप परस्यू कर रहे हैं डिग्री परस्यू कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है, अगर आप जेई, आईआईटी, एपीएमटी, नीट में 10,000 रैंक लाते हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये ऑप्शनल है, और मतलब इसके अलावा और है ये, मतलब ये अथवा में आपका है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद और में ये भी आ रहा है कि अगर आप नेशनल टैलेंट सर्च में अगर आपका है इसमें कुछ एलिजिबल तो भी आप एलिजिबल हैं। तो बीए बीएससी वाले कैंडिडेट, अधिकतर लोग बीए बीएससी करते हैं क्लास 12 के बाद से, तो वो छात्र जो है यहाँ पे एलिजिबल यहाँ पे लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पे 5,000 रुपए पर मंथ, मतलब है कि 60,000 रुपए आपको मिलेगा, 20,000 रुपए का मेंटरशिप ग्रांट आपको एक साथ जो है एक मुश्त आपको दिया जाएगा। मतलब 20,000 रुपए आपको एक मुश्त, मतलब एक साथ आपको दिया जाएगा। और 5,000 रुपए पर मंथ, मतलब एक स्कॉलरशिप जो काउंट होगी आपकी वो आपका 60,000 पर एनम, मतलब एक 60,000 और 20,000 टोटल मिला के 80,000 रुपए की स्कॉलरशिप जो है आपको आपको दिया जाएगा इंस्पायर स्कॉलरशिप के तहत, अगर आपका सिलेक्शन होता है। अब इसमें क्या कितनी क्या परसेंटेज चाहिए होती है वो बता देता हूँ यहाँ पे। तो भाई परसेंटेज की बात करूँ तो मैं परसेंटेज में यहाँ पे देखो, ये अनक्षर आ गया यहाँ पे, जो क्लास 12th के अकेडमी के 2023-24 का यहाँ पे 24-25 का अकेडमिक ईयर का पीडीएफ है, जहाँ पे यहाँ पे पीडीएफ में सम्पली लिखा गया है टॉप 1% कट ऑफ मार्क्स वेरियल बोर्ड रिजल्ट। कि जैसे आप एनएसपी में कट ऑफ आती है, अगर आप एनएसपी स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं तो वही कट ऑफ आती है सेंटर सेट स्कीम में, कि वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इतनी परसेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं। सेम है इनकी इंस्पायर में भी कुछ कट ऑफ यहाँ पे जारी की गई है स्टेट वाइज, जो इतने परसेंट स्टूडेंट वाले इंस्पायर स्कॉलरशिप को अप्लाई कर पाएंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में है तो 98% आपको चाहिए रहेगा कट ऑफ अप्लाई करने के लिए, असम में है 77.4, बिहार है तो 80.4, सीबीएसई तो 94, छत्तीसगढ़ है तो 82, सीआईएससी बोर्ड 95, गोवा 86, गुजरात 74, हरियाणा 86। ठीक है, इस प्रकार मैं अपने राजस्थान का बताता हूँ। राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान में आपका 89.8, अगर राजस्थान से कोई अप्लाई करना सोच रहा है तो 89.8 में यहाँ पे आप इंस्पायर स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो। बाकी अपनी स्टेट का यहाँ पे कट ऑफ आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये पीडीएफ है जो आप यहाँ पे डाउनलोड करके देख लेंगे। अब बात करते हैं कि भाई इसकी जो कट ऑफ है यहाँ पे आप देख सकते हो, बोर्ड द्वारा जारी की गई 2024 में रेस्पेक्टिव बोर्ड द्वारा, तो वही छात्र जो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे जिनका कट ऑफ में उनकी परसेंटेज मैच कर रही है, उन्हीं स्टूडेंट को आगे जो है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा। और 10,000
और समथिंग 80,000 रुपए की स्कॉलरशिप जो है छात्रों को दी जाएगी प्रतिवर्ष। और यहाँ पे बात करो तो लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर, यहाँ पे लास्ट डेट है फॉर्म की। तो अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फॉर्म अप्लाई कर लेंगे, 31 अक्टूबर है। अभी बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए हम scholarshipworld.com दोबारा आ जाएंगे। यहाँ पे दोबारा आने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है कि आपसे फोटोग्राफ, 10th क्लास की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी एससी एसटी अगर आप हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑप्शन बताया कि आपको अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, पास आउट हो चुके हैं, तो ये सारी चीज जो है डॉक्यूमेंट आपका प्रीवियस वगैरह का मांगा जाएगा। और साथ में आपका एंडोर्समेंट फॉर्म साइन मांगा जाएगा, जैसे कि बोनिफाइड सर्टिफिकेट वगैरह होता है तो कॉलेज प्रिंसिपल, डायरेक्टर से, रजिस्टर से आपको सील सिग्नेचर साइन करवाने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना मैंडेटरी रहेगा पोर्टल पे, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करेंगे, इंस्पायर स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखो लिंक दे रखा है इंस्पायर स्कॉलरशिप पोर्टल, सिंपली इस लिंक पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप आ जाएगा, जहाँ पे आपको कहना सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू यूजर पे क्लिक करना है। न्यू यूजर पे क्लिक करके आपको रजिस्टर हेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस प्रकार जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आ जाएगा कि आप क्या लगाते हो। यहाँ पे मिस्टर तो लगा लेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भरने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा भरने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने जो फॉर्म है वो खुल के इस प्रकार का देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, जो आगे की रेफरेंस आपको यूज कर पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप फॉर्म ओपन कर लोगे तो आप यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म भर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर पाओगे, आपकी जो भी एजुकेशन डिटेल है, जैसे कि आप पढ़ रहे हो वो आपको भरनी पड़ेगी, जैसे लिखा है पर्टिकुलर आपको जो भी एजुकेशन भर रहे हो वो भरनी पड़ेगी। आपको कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, साथ में आपको जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको अपलोड करनी पड़ेगी, जिसका यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है लॉग इन करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो कंपनी इन्फॉर्मेशन जो स्टेप बाय स्टेप तरीके से यहाँ पे दी गई है, आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो, इसको रीड कर सकते हो, डायरेक्ट लिंक के थ्रू यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करो तो फ्रेंड सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा है कि इंस्पायर में कि आपका सबसे पहले कि जो भी आपकी परसेंटेज है उस आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपका बैंक अकाउंट SBI में होना चाहिए। यहाँ पे लिखा था सिलेक्टेड कैंडिडेट रिसीव द स्कॉलरशिप अवार्ड डायरेक्टली टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कि अगर आपका अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो आपको पैसा मिलेगा तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब SBI अकाउंट में ही आपको मिलेगा, और कोई बैंक अकाउंट में नहीं होना चाहिए। मतलब आपका SBI आपका DBT के साथ लिंक होना चाहिए, मतलब आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होगा, कौन सा SBI वाला ही लिंक होना चाहिए। तो अगर आपका खाता नहीं, अगर स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हो तो SBI में खाता होना चाहिए और DBT लिंक होना चाहिए, उसमें आधार कार्ड लिंक होना चाहिए उस बैंक अकाउंट, ठीक है। और बता देता हूँ ये स्कॉलरशिप गवर्नमेंट है, अगर आप NSP स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं, NSP गवर्नमेंट है और ये भी गवर्नमेंट है, तो दोनों में से आपको एक स्कॉलरशिप अप्लाई करना पड़ेगा। जी हाँ, दोनों में से एक स्कॉलरशिप अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको चुनना है कि अगर आपको NSP अप्लाई करो तो NSP में आपको कितना अमाउंट मिलेगा, और अगर आप इंस्पायर के लिए एलिजिबल तो इंस्पायर में कितना अमाउंट मिलेगा, जो मैंने आपको बता दिया। तो दोनों चॉइस आपके, लेकिन दोनों में से एक फॉर्म आपको अप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। दोनों फॉर्म अप्लाई नहीं करें, दोनों में से एक फॉर्म अप्लाई करना है, या तो इंस्पायर या तो NSP, क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट बॉडीज के हैं, गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई स्कॉलरशिप है। तो प्राइवेट अगर है तो वो अप्लाई कर पाओगे, प्राइवेट स्कॉलरशिप जितनी भी वो सारे अप्लाई कर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एक ईयर में एक ही अप्लाई कर सकते हो। तो वो आपको चुनना है कि आपको NSP चुनना है या आपको इंस्पायर चुनना है, दोनों में आप एलिजिबिलिटी देख लीजिए, उस हिसाब से आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे क्या स्कॉलरशिप अप्लाई करनी चाहिए। तो ये वीडियो रही यहाँ पे, अगर आपको कोई भी डाउट कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा।